दुनिया के पांच सबसे अजीब इंसान जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर एक, कैली और कार्टर टॉरेस। दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों का शरीर एक ही है। क्या आपने कभी सुना है ऐसे शरीर के बारे में जिसके दो सिर हो? दोस्तों आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, और अगर होता भी है तो ऐसे बच्चे जन्म के बाद ही फौरन मर जाते। परंतु दो ऐसे बच्चे हैं जो एक शरीर में होने के बावजूद भी अभी तक जिंदा है, और ये कुदरत का चमत्कार ही है कि ये दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को बहुत अधिक प्यारे हैं। इन दोनों में इतना आत्मविश्वास है कि वे कहते हैं कि एक दिन विज्ञान की खोज में ऐसा कोई इलाज आएगा जिसकी सहायता से हम दोनों अलग हो जाएंगे। ये अभी तक भगवान के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत कर रहे हैं। नंबर दो, डोनाविया वॉकर। दोस्तों डोनाविया दुनिया का एक ऐसा बच्चा है जो सबसे अलग है। हर माँ को उसके गर्भकाल के दौरान बहुत सी जांच करानी होती है ताकि वह अपने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में जान सके। इसी तरह की जांच डोनाविया की माँ ने भी कराई तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके बच्चे के दोनों हाथ नहीं है। ये सुनकर उन्हें थोड़ी निराशा हुई, परंतु उन्होंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और सब चिंताओं को छोड़कर उन्होंने डोनाविया को जन्म दिया। डोनाविया के पेरेंट्स उसका बहुत ख्याल रखते और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी कामों को पैर से कराने की ट्रेनिंग देते हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि डोनाविया वे सभी काम जो हम अपने हाथों से करते वह पैरों की सहायता से करती है, जैसे कार चलाना, खाना खाना। ये एक ऐसी महिला है जो दूसरों के लिए मिसाल बनी है। नंबर तीन, नौवाल। नौवा जब पैदा हुआ था तो उसके साथ बड़ी समस्याएं आई थी। जैसे उसका सामान्य बच्चों की तुलना में केवल 2% ही दिमाग था, और यहाँ तक कि उसके स्पाइनल कोर्ट में भी समस्या थी। जहाँ डॉक्टर ये मान बैठे थे कि वह कुछ दिन का ही मेहमान है, वहीं उसके माता पिता को ये पूरा विश्वास था कि उसे कुछ नहीं होगा, और उनके विश्वास के कारण ही नौवा की सर्जरी सफल रही। और उसके बाद उसके माता पिता उसके दिमाग को विकसित करने के लिए उसे हमेशा कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करते रहते थे, और कुछ समय के बाद जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। धीरे धीरे नौवा का दिमाग विकसित होने लगा, और 5 वर्ष की उम्र तक उसका दिमाग सामान्य बच्चों की तुलना में 80% तक बड़ा हो गया था। नौवा अब काफी हेल्दी हो गया था, लेकिन स्पाइनल कोर्ड की प्रॉब्लम के कारण वह सही से आज भी नहीं चल पाता। नंबर 4, एडेन गॉडॉय। एडेन एक बहुत अजीब बच्चा है जिसका जन्म एक बीमारी के तहत हुआ है। एडेन जब गर्भ में था तो उस दौरान उसे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए थे, जिसके कारण उसका सीधा पैर मुड़ गया था। एडन का जन्म साल 2010 में 12 मई को हुआ था। डॉक्टर्स ने जन्म के दौरान उसका सीधा पैर मुड़ा हुआ पाया। डॉक्टरों की टीम ने उसके पैर को सीधा करने की बहुत कोशिश की, परंतु वे असफल रहे और उन्हें उसका पैर आखिरकार काटना ही पड़ा। अब एडन एक आर्टिफिशियल पैर की सहायता से चलता है। आमतौर पर अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, परंतु एडन ऐसा बालक नहीं है। उसने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा और अब वह एक विश्व प्रसिद्ध बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है। नंबर 5, ग्राहम। दोस्तों ग्राहम नाम के इस शख्स के शरीर की बनावट भले ही अजीब है, लेकिन इसके पास ऐसी ताकत है जो कि आम इंसानों में नहीं होती। ग्राहम बड़े से बड़े सड़क हादसे में खुद को बचा सकता है। उसके शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी है कि सड़क हादसे में उसे कुछ भी नहीं होगा। दरअसल ग्राहम को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही तैयार किया गया है। यहाँ आपका ये जान लेना जरूरी है कि ग्राहम जीवित इंसान नहीं है, बल्कि ये अनूठा मॉडल है। इस मानव शरीर के मॉडल को इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये भीषण सड़क हादसे में भी जीवित रह सके। ग्राहम को फाइबर ग्लास, सिलिकॉन और इंसान के बालों से तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 5 सबसे अजीब इंसान। इनमें से आपको कौन सा इंसान सबसे अजीब लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।